आप कोश बनाने के लिए ये है सारी सामग्री। सबसे पहले हम लेंगे आधा किलो मटन विद बोन्स, 3 कटे हुए आलू, 100 ग्राम काबुली चना जो रात भर भिगाया हुआ है, 1 ईरानियन लेमन, या तो आप सन ड्राइड लेमन भी ले सकते हो या नहीं है तो आप फ्रेश लेमन भी ले सकते हो, 1 टेबलस्पून बिरस्ता जो कि आपके स्ट्यू को बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, 2 बड़े कटे हुए प्याज और 3 बड़े कटे हुए टमाटर और 2 बड़े कटे हुए ड्रमस्टिक्स, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी, 3 से 4 तेजपत्ता, 10 से 12 काली मिर्च और 1 बड़ी दालचीनी। आप गोश्त एक वन पॉट रेसिपी है, इसलिए आप जो मीट है और बाकी सारे सामग्री है उन सबको एक साथ पकाना है और जो स्टॉक यानी जो स्ट्यू आपका बनेगा उसी से इस डिश का असली फ्लेवर आता है। आपकोश का मतलब होता है आप यानि पानी और गोश यानि मांस यानि मीट, और यही अर्क वाला पानी इस डिश की खासियत है। और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें कोई भी मसाला या सब्जी भून के नहीं डाला जा रहा है, इसके साथ एक साथ ही पकाएंगे हम कुकर में। और पकने के बाद जो गोश मसाले और सब्जियों का अर्क निकलता है वही इस डिश की खासियत है। ट्रेडिशनली इस डिश को मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है जिसको डिजी कहते हैं, उसको घंटों तक पकाया जाता है लेकिन वक्त बचाने के लिए हम इसको प्रेशर कुक कर रहे हैं। ये जो बिरस्ता और लेमन है इसको हम बाद में फिनिशिंग के वक्त डालेंगे। चलिए अब इसे ढक्कन लगाकर 1 से 2 सीटी ले लेंगे हम। चलिए देखते हैं कि मटन पका है कि नहीं। खुशबू तो बढ़िया आ रही है और देखने से लग रहा है कि मटन पक चुका है। और पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्टू कम लग रहा है। जैसे कि हमने आपको बताया था, अब हम इस स्ट्यू को मिट्टी के बर्तन में पकाएंगे ताकि आपको वो ओदी फ्लेवर मिल सके। ध्यान रखिए आप इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएं ताकि जो आप इस मिट्टी के बर्तन का फ्लेवर है वो स्टॉक में उतर जाए। फाइनली अब हम इसमें सन ड्राइड या ईरानियन लेमन डाल के इसको 5 मिनट तक सिमर करेंगे। और लास्ट में हम इसको बिरस्ता और फ्रेश धनिया डाल के गार्निश करेंगे। अब ये मज़ेदार आपगोश हो गया है तैयार। आप इसको तंदूरी नान या पोर्शन राइस या तो स्टीम राइस के साथ इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं।